उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में योगी सरकार के श्रावण माह में नॉनवेज न बिकने की खुली पोल। प्रशासन को ठेंगा दिखा शिवरात्रि पर्व पर रेस्टोरेंट में खुलेआम परोसा जा रहा मांसाहार। शिवरात्रि पर्व पर रेस्टोरेंट में चिकन बर्गर बेचने की सूचना पर हंगामा। रेस्टोरेंट में नॉनवेज की सूचना पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर काटा हंगामा। सूचना पर एसडीएम भी मौके पर पहुंचे, थाना पुलिस को भी बुलाया गया। पुलिस ने रेस्टोरेंट बंद करा, मैनेजर अर्जुन व मौसम सैनी को पूछताछ के बाद हिरासत में लिया। दिव्यांश भाटी नाम के शख्स का बताया जा रहा है शिवरात्रि पर नॉनवेज परोसने वाला रेस्टोरेंट खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के पुराना जीटी रोड पर स्थित रेस्टोरेंट का है मामला। इस पर जो बहुत सारा चिकन पकड़ा गया है, इसकी शिकायत पहले भी आ रही थी। एक ऑर्डर के साथ में उसने चिकन परोसा, अब अंदर जाके देखा है तो बहुत सारा चिकन है। सावन के महीने में प्रशासन ने और हमारे हिंदू संगठनों ने पहले ही इन लोगों को सचेत कर दिया था कि सावन के महीने में चिकन या किसी भी प्रकार का कोई भी मीट नहीं बिकेगा, लेकिन उसके बावजूद भी यह रेस्टोरेंट मालिक अपनी हठधर्मी से इसे चला रहा है और हिंदुओं को बगैर बताए ये मीट का जो सेवन करा रहा है, ये बहुत गलत है। हम ये सील कराने की मांग करते हैं इस रेस्टोरेंट को। चाय सुट्टा नाम से है ये, तहसील रोड पर। इसमें जो है कुछ चिकन डिशेज वगैरह पाए हैं चिकन के, तो उसमें हम लोग देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं। और जो भी उसमें ये निर्देश था कि ये अभी विक्रय नहीं किया जाएगा, तो इस संबंध में जो है सुसंगत धाराओं के अंदर जो है इसमें कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल जो है इसको जो है अग्रिम आदेश से इसको बंद कराया जा रहा है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।